हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फ्लिपनेट की, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सिस्टम हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इन्फ्लिपनेट का जो मुख्यालय है पहले अहमदाबाद में था, अब इसे चेंज करके गांधीनगर में कर दिया गया है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क को बनाने का मेन मकसद यही था कि हम हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कर सके। हायर एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारे नेटवर्क को, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उन सबको एक साथ कंबाइन करके, जोड़ करके एक यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस वगैरह को सारे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये क्या था, इसका जो हेडक्वार्टर था पहले अहमदाबाद में था, लेकिन अब लेटेस्ट में दोस्तों ये गांधीनगर में हो गया है। सन 1996 ईस्वी में 1996 में इसे इंडिपेंडेंट बना दिया गया था। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, जेपी सिंह झूरल हैं। और दोस्तों, यूजीसी का भी चेयरमैन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, तो वो हैं दोस्तों डीपी सिंह। उसके बाद हम बात करेंगे इंडकैट की। इंडकैट क्या है, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्सिटी को मिला करके एक यूनियन कैटलॉग बनाया गया है, जिसे कि हम इंडकैट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सोल। सोल जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, सोल सॉफ्टवेयर को इन्फ्लिपनेट के द्वारा ही विकसित डेवलप किया गया था। सोल स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यह स्पेशली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था। ई शोध सिंधु और शोध गंगा, दोस्तों हर एक एग्जाम में इन दोनों से जरूर क्वेश्चन होते हैं कि ई शोध सिंधु क्या है और ई शोध गंगा क्या है। तो ई शोध सिंधु जो है एक कंसोर्टियम है, जो कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उसी तरह से ई शोध गंगा जो है वो रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस, इंडिया में जितनी भी थीसिस पब्लिश होती हैं उनको रिजर्व करके इसके तहत रखा जाता है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भी प्रोवाइड करने का काम किसका है, इन्फ्लिपनेट का है। इसका एक फ्री DTH प्रोग्राम है, जिसे कि हम स्वयं प्रभा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विद्यामित्रा इंटीग्रेटेड कंटेंट पोर्टल, जो भी इसके कंटेंट हैं उसका जो पोर्टल बना है उसका नाम दिया गया है विद्या मित्रा। और विद्यमान इसका जो डाटाबेस है, एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, ये किस डाटाबेस को बनाता है, तो उसका नाम है विद्वान। दोस्तों, इन्फ्लिपनेट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और लोगों में शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।